Assalamu alaikum students, I am Afshan Ishtiaq, your online teacher for the subject of chemistry. Students, we are going to discuss our lecture number 4, which is on the topic law of mass action. This law of mass action is of very importance of your book. So students, before starting law of mass action, we will discuss its introduction. Law of mass action was put forward by two scientists, Goldberg and Weig. This law was put forwarded in 1869. According to this law, the definition of this law. According to this law, the rate at which substance reacts ka matlab hai, reactants react kar rahe hain, is directly proportional to the active masses. Active masses का मतलब है आप कितनी concentration use कर रहे हो, कितने moles use कर रहे हो, कितने numbers use कर रहे हो reactants के. And the rate of a reaction is directly proportional to the product of the active masses of the reacting substances. इस definition में students ये बोला गया है कि वो रेट जिसमें आप रिएक्टेंट्स को रिएक्ट करवा रहे हैं एंड प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, तो जितनी कॉन्सेंट्रेशन बेटे आप रिएक्टेंट्स की लेंगे, उतने ही नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स क्या करेंगे, प्रोडक्ट्स में चेंज हो जाएंगे. इट्स मींस द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स बीइंग यूज्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड. जितना आपने रिएक्टेंट्स यूज़ किया, उतने ही आपके पास प्रोडक्ट्स के नंबर अटेन होते हैं. नेक्स्ट इज कॉन्सेंट्रेशन, मोलर कॉन्सेंट्रेशन. मोलर कॉन्सेंट्रेशन एक्टिव मैसेज को इज कंसिडर्ड एज मोलर कॉन्सेंट्रेशन. मोलर कॉन्सेंट्रेशन मीन्स हाउ मैनी नंबर ऑफ मोल्स आर बींग यूज इन ए केमिकल रिएक्शन. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी टेक द एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोजन एंड आयोडाइड. हाइड्रोजन एंड आयोडाइड आर रिएक्टेंट्स. आप अगर देखें तो हाइड्रोजन और आयोडाइड के साथ कोई नंबर नहीं लिखा होता. जिसके साथ कुछ ना लिखा हो फिर उसके साथ ऑटोमेटिकली वन होता है. इट्स मीन वी आर यूजिंग वन मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड वन मोल ऑफ आयोडाइड एंड एज ए रिजल्ट वी हमें क्या मिलता है, हाइड्रोजन आयोडाइड. और उसके साथ आप देखो हमेशा टू लिखा होता है. इसका मतलब है जब वन मोल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद वन मोल ऑफ आयोडाइड, इट प्रोड्यूसेस टू मोल ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड. ठीक है, तो टू क्या होता है, मोल्स होता है, कॉन्सेंट्रेशन होता है, जिसे हम एक्टिव मैसेज की मोलर कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं. एक्टिव मैस क्या है आपके पास, हाइड्रोजन आयोडाइड, उसकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, फिर टू होती है. ठीक है, नेक्स्ट इज द रिप्रेजेंटेशन. एक्टिव मैसेज आर ऑलवेज रिप्रेजेंटेड इन मोल डीएम क्यूब. ये उसका यूनिट है, मोल डीएम क्यूब. इससे हम एक्टिव मैसेज को रिप्रेजेंट करते हैं एंड दे आर रिप्रेजेंटेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट्स. स्क्वायर ब्रैकेट्स जो होती हैं, आप जो आपकी एक्टिव मैसेज होती हैं उनके साथ मस्ट लगाते हो उनकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए. फॉर एग्जांपल, जैसे हाइड्रोजन ले रहे हैं हम, H2 ले रहे हैं, तो आप उसको दोनों तरफ से स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाओगे उसकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन को शो करने के लिए. नेक्स्ट इज द डेरिवेशन. फर्स्ट स्टेप में, इन द फर्स्ट स्टेप the reactants A and B. We are taking a general equation to just understand what is law of mass action. In the first step, A and B, the two reactants A and B reacts and they produce C and D, which are the products. I have shown you KF and KR. KF shows the forward reaction and KR shows the reverse reaction. In this step 2, we will show the rate of forward reaction. जैसे हमने definition में पढ़ा, the rate of forward reaction is directly proportional to the active masses of the reacting substances. तो उसी definition के according हमने क्या बना लिया, equation बना लिया. Rate of forward reaction क्या है, proportional to active masses of reactant, that is A and B. Proportionality sign को अगर हम ख़त्म करें तो आपके पास क्या आ जाता है, KF आ जाता है. KF जो है आपका वो फॉरवर्ड रिएक्शन को आप शो कर रहे हो, तो हमने उसका जो प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट ले लिया वो आपका क्या हो गया, KF हो गया. इन दिस स्टेप नंबर 3,
Rate of reverse reaction is proportional to the active masses of products C and D. In the same way हमने rate of reverse reaction का proportionality sign ख़त्म किया, तो आपके पास क्या आ गया, KR आ गया, KRCD आ गया, ठीक है। स्टेप नंबर फोर, आपके पास एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम स्टेट अब आपने अचीव कर ली है। इक्विलिब्रियम स्टेट क्या हो गई है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। जब आप रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स को इक्वल कर रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे, के एफ इज इक्वल टू के आर, या फिर आप कहोगे आर एफ इज इक्वल टू आर आर। आर एफ, F क्या है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। आर एफ इज इक्वल टू आर आर, ठीक है। स्मॉल r और कैपिटल r, कैपिटल r और स्मॉल f से हम इंडिकेट करें, फिर आप उनकी वैल्यूज़ पुट करोगे, तो आपके पास वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी, के एफ ए बी इज इक्वल टू के आर सी एंड डी, ठीक है। स्टेप नंबर फाइव में आप क्या करोगे, कॉन्स्टेंट और वेरिएबल्स को दोनों इक्वल साइड्स पे ले आएंगे, दोनों एक साइड पे आप पुट कर देंगे उनको, ठीक है। तो हम देखते हैं कि क्या होता है कि आप कॉन्स्टेंट्स को, जो आपके इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट थे, जो हमने के एफ और के आर यूज़ किए थे, उनको हमने क्या कर दिया, एक साइड पे कर दिया। तो क्या आया, के फॉरवर्ड रिवर्स, फॉरवर्ड रिएक्शन ओवर रिवर्स रिएक्शन आ गया। पहले वहाँ पे रिवर्स रिएक्शन मल्टीप्लाई हो रहा था ना, तो जब हम दूसरी साइड पे लेके आए हैं, तो रिवर्स रिएक्शन क्या हो गया, डिवाइड हो गया, के एफ ओवर के आर, ठीक है। तो जब के आर वहाँ से डिवाइड किया हमने, तो वहाँ पे जो आपके रिएक्टेंट्स थे ए और बी, वो दूसरी साइड पे जाके क्या हो गए, डिवाइड हो गए। तो आपके पास इक्वेशन क्या बनी है, के एफ ओवर के आर इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी, डिवाइडेड बाय मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, ठीक है। अब आपके पास स्टेप नंबर सिक्स है। स्टेप नंबर सिक्स में हम ये शो करवा रहे हैं कि जो आपका इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन और इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, वो किसके इक्वल होता है, उसे हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट के सी से इंडिकेट कर रहे हैं। के सी जो है, आपके सारे कॉन्स्टेंट को हमने एक ही कॉन्स्टेंट से रिप्रेजेंट कर दिया, और वो क्या है, के सी है, ठीक है। तो के सी को हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट। तो यहाँ से आप स्टेप नंबर सेवन में क्या लिखेंगे, के सी जो आपका एक ही कॉन्स्टेंट हमने ले लिया है, उसको आप किसके इक्वल लिखोगे, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी ओवर मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। स्टूडेंट्स, जो लॉ ऑफ मास एक्शन है, वो आपको एक रिलेशनशिप बता रहे हैं कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का आपस में क्या रिलेशन है, और उनका जो रेट ऑफ रिएक्शन है कि वो मतलब रिएक्टेंट्स के और रेट ऑफ रिएक्शन के, जो रिएक्टेंट्स मिल रहे हैं वो किस रेट पे, किस स्पीड से जाके मिल रहे हैं और प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, इस रिलेशनशिप को हम लॉ ऑफ मास एक्शन में स्टडी करते हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप इसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस करें। थैंक यू।